देख रहे हैं जगत के अपराध लाइव न्यूज चैनल। बढ़ते हैं इस वक्त की खबर की ओर। कोटा एसीबी टीम की बड़ी कार्यवाही, रिश्वत प्रकरण मामले में सांगो थाने के कांस्टेबल को दबोचा। मामले में सांगो थाने का सीआई जयराम और एक दलाल हुए फरार। धोखाधड़ी के एक मामले में परिवादी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। मौके का फायदा उठाकर दलाल मोहित 11,000 रुपए लेकर हुआ फरार। जगत के अपराध समाचार पत्र लाइव न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। कोटा एसीबी टीम ने शुक्रवार देर रात को बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए रिश्वत प्रकरण मामले में सांगो थाने के कांस्टेबल दिनेश मीना को पकड़ा है। वहीं मौके पर मौजूद एक दलाल मौके का फायदा उठाकर रिश्वत के 11,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इस मामले में सांगो थाने के सीआई जयराम की भी संलिप्तता सामने आई है, लेकिन वो भी कार्यवाही की भनक लगते ही फरार हो गया है। एसीबी के सीआई नरेश ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी लक्ष्मी नारायण का मंगूबाई नामक महिला से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। ये प्लॉट बाद में सह परिवादी जय कुमार ने खरीदा था। मामले में लक्ष्मी नारायण ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था। ऐसे में सांगो थाने में तैनात कांस्टेबल दिनेश मीना, जो रीडर का काम कर रहा था, मुकदमे में गिरफ्तार करने की धमकी देकर पहले परिवादी लक्ष्मी नारायण से 10,000 रुपए ले चुका था। परिवादी की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट द्वारा रोक के आदेश होने के बाद गिरफ्तार करने की धमकी देकर लक्ष्मी नारायण से 10,000 व सह परिवादी जय कुमार को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 1,00,000 की मांग कर रहा था, लेकिन सह परिवादी जय कुमार और आरोपी कांस्टेबल के बीच 50,000 रुपए में सहमति बनी, जिसमें 10,000 खुद के लिए और 40,000 सीआई के लिए लेना बताया। वहीं टीम ने मौके से कांस्टेबल को दबोच लिया। इस दौरान कांस्टेबल का साला मोहित और थानाधिकारी जयराम की तलाश जारी है। वहीं रिश्वत प्रकरण का मामला सामने आने के बाद कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने कांस्टेबल दिनेश मीना और थानाधिकारी जयराम कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सके, लेकिन 25 तारीख को कांस्टेबल का वापस जय कुमार शर्मा के पास कॉल आता है और वे दिनेश और थानाधिकारी सांगोद जयराम बाजिया यहाँ कोटा में होना बताते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो बात होती है उसमें के अंदर 51,000 रुपये में जो बात होती है उसमें 11,000 रुपये तो कांस्टेबल दिनेश के और 40,000 रुपये थानाधिकारी सांगोद जयराम बाजिया के। यहाँ पर ये करीब 8:30 बजे सह परिवादी जय कुमार शर्मा के घर के पास जवाहर नगर में, वहाँ पर परिवादी अपने साले के साथ मोटरसाइकिल पर रिश्वत राशि लेने आता है, जहाँ पर कांस्टेबल मनोज और जय कुमार से वो रिश्वत राशि अपने साले को दिलवाता है और जैसे उसको भनक लगती हल्की सी उसका साला वहाँ पर तंग गलियों में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है। किंतु हम दिनेश को डिटेन कर लेते हैं। वहाँ पर दिनेश से जब बात होती है तो दिनेश अब ये पैसा थानाधिकारी के लिए लेना बताता है और यह ऑफिस लाकर एसीबी ऑफिस लाकर थानाधिकारी सांगो जयराम बाजिया से बात करवाने पर वहाँ पर हमें इस रिश्वती राशि के बारे में उनकी सहमति और